फिर चूहा था गांव में ये सब कुछ होता रहता है, तो मैं थोड़ा सा डर गई। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन शक्ति। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और अभी हम सब रेडी हो चुके हैं मूवी देखने के लिए, तो हम लोग गदर 2 देखने जा रहे हैं। और आज लास्ट डे है, आज के बाद कोई और मूवी लग जाएगी। तो बहुत टाइम से प्लान था, लेकिन छत बन रहा था तो उसमें एक हफ्ता करके चला गया, और किसी न किसी को यहाँ देखना ही पड़ता था। ऊपर से स्कूल भी है, इसीलिए हम लोग नहीं जा पाए। और मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, फीवर जैसा है, इसीलिए मेरी आंखों से भी पता चल रहा है। बट जाना है, तो सोचा कि चलो, मैंने मेडिसिन खा लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा था, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और बाबू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अभी गाड़ी आई नहीं है तो इसीलिए बाकी सब अंदर है, और जैसे जैसे निकलेंगे सब लोग मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। और अभी हम सब यहाँ पे घर से निकल चुके हैं, और हमारी तीन पीढ़ी जा रही है ये मूवी देखने के लिए, दादी, माँ, मम्मी और मैं। तो यही एक मूवी है जिसका पार्ट 2 देखने के लिए दादी माँ सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, और मम्मी का भी मन था। तो हमने बाबू को लिया है साथ में, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, और पापा भी जा रहे हैं साथ में हमारे। और ये है गंगा नदी, तो काफ़ी ज़्यादा पानी इसका बढ़ गया है, और यहाँ पे एक न्यू वाला पुल बन रहा है जिसकी वजह से हमें गंगा दिखाई नहीं दे रही है। तो मैंने लास्ट में थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की, और हम जा रहे हैं गाजीपुर देखने के लिए मूवी। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं, और थोड़ा बहुत हम लोग लेट भी हो चुके हैं, तो बस अब एंट्री चालू है, तो हम लोग अभी चलेंगे और मूवी को एंजॉय करेंगे। मौत है की इसमें, मौत। और ये सारे जो पैर की जिंदगी आसमान दो सिगरेट के। और अभी मूवी खत्म हो चुकी है, और बाबू देखिए दादी माँ को लेके जा रहा है। उसने बोला कि मैं आपका हाथ पकड़ के लेके चलूंगा वरना आप गिर जाओगे, क्योंकि दादी माँ के पैर में काफी ज्यादा सूजन है और उन्हें चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने उनका डंडा ले लिया है, और देखिए फिंगर पकड़ के लेके जा रहा है, तो देख के बहुत अच्छा लगा। और बच्चों को ये सब कुछ करने देना चाहिए, उनके संस्कार हैं। और उसके बाद हम निकल गए शॉपिंग के लिए, तो बस जस्ट नियर बाय में था, तो मुझे कुछ खरीदना था, और बाबू देखिए कितना खुश है। तो मुझे जो जो भी लेना था वो मैंने लिया, और मुझे कपड़े ही लेने थे, तो हम लोग बस वही वाले सेक्शन में गए, और फटाफट से सारी खरीदारी करके हम लोगों को नाश्ता करने के लिए जाना था, क्योंकि पेट में बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ हो रही थी। मूवी टाइम पे हमने पॉपकॉर्न और थोड़ा बहुत जो भी था वो भी खाया ही था, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था इसीलिए। तो पास में रेस्टोरेंट था, तो वहीं पर हम लोग गए, और ये है मेरी पीस। तो हमने दो टाइप के पिज़्ज़ा मंगाए थे, उसके बाद जो कोल्ड ड्रिंक था वो पिया, और थोड़ा बहुत और बाकी जिसको जो भी नाश्ता करना था वो किया हमने। और उसके बाद थोड़ा यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा लेट कर रहे थे। तो देखिए बाबू को पसंद बिल्कुल भी नहीं आया पिज़्ज़ा, मैंने सोचा था कि बच्चा एक्साइटेड होकर खाएगा, लेकिन मेरा बेटा बहुत नखरे करता है, उसको ये भी पसंद नहीं आया। ओके फ्रेंड्स, तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग, और वहाँ से आते आते हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं थी, इसीलिए मैंने आगे का शूट नहीं किया, और थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया जस्ट बिकॉज मेरी जो तबीयत सही नहीं थी उसकी वजह से मेरा मन भी नहीं किया। और दादी माँ का पैर का जो प्लास्टर है वो खुल चुका है अभी, नियम बहुत जल्दी खुला है, तो उनके पैर में काफ़ी ज़्यादा सूजन आ गई है, तो इसलिए उनको भी थोड़ा सा मैं ले जाने ले आने में प्रॉब्लम हुई, और बच्चा है तो उसको भी थोड़ा देखना पड़ता है, तो सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा शूट करने की कोशिश नहीं की, सोचा कि जो थोड़ा बहुत हो रहा है कोई बात नहीं। और आते आते हमें यहाँ पे घर पे 10:30 हो चुका था, तो इसीलिए हमने सब कुछ पैक करा लिया घर के लिए भी, जो लोग थे उनके लिए भी, और बाकी हम लोग जो गए थे उन लोगों के लिए भी। और गांव में रहने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मूवी देखने जाना है तो यहाँ से हमें जाने में वहाँ पे कम से कम 1.25 घंटा 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। अभी जो है मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि कुछ थोड़ा बहुत शूट करूँ, लेकिन बाबू है, संडे है, तो आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और घर पे ही तो मैंने सोचा कि उसको टीवी लगा दूँ, तब मैं फटाफट से कर लूँ, क्योंकि अभी ये रूम खाली है, वरना सब लोग आ जाते हैं तो परेशानी होती है। और उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, तो सोचा कि आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। तो फर्स्ट जो है वो मैंने लिए अपने लिए कुर्ती, मैंने डेली वेयर के लिए ही खरीदा है, क्योंकि मुझे घर पे पहनने के लिए चाहिए था, तो ये कुछ ऐसा है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस प्रिंटेड कुर्ती है, और इसका जो कलर है वो लाइट कलर है, तो अच्छा है,
मुझे बहुत ज्यादा डार्क डार्क कलर पसंद नहीं है, और इसके गले पे ऐसा बनाया हुआ है तो ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और बाकी जैसे नॉर्मल रहती है कुर्तियों में वैसे ही है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छा है, एकदम प्योर कॉटन है, और मुझे प्योर कॉटन ही चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो कॉटन के अलावा और कुछ पहनना मैं प्रिफर करती ही नहीं हूँ। मुझे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कॉटन में ही लगता है, और दूसरी कुर्ती भी सेम वैसी ही है, बस कलर और डिजाइन चेंज है, बाकी फैब्रिक वगैरह सब वैसे ही है, तो इसके भी गले पे वैसे ही है। तो मैंने अपने लिए सिर्फ दो कुर्ती ली, और उसके साथ साथ ये एक पैंट लिया, ये पिंक कलर का है, जस्ट नॉर्मल जैसे पैंट्स वगैरह होते हैं वैसे ही है। और उसके बाद मेरे पास गोल्डन कलर के दो तीन दुपट्टे हैं, थोड़ा सा अलग कलर चाहिए था तो इसीलिए मैंने इस कलर का एक दुपट्टा लिया, और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसमें गोल्डन कलर का ऐसे बॉर्डर दिया गया, और बाकी पूरा दुपट्टा जो है वो येलो कलर में है, और ऐसे गोल्डन गोल्डन लाइनिंग दी गई है, शायद कैमरे में पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे ही है, तो ये भी अच्छा लगा मुझे तो मैंने इसको ले लिया। और उसके बाद मम्मी ने अपने लिए ली है एक नाइटी, तो नाइटी बस सिंपल ही है, और ये ऐसा है ब्लैक और व्हाइट में ऐसे प्रिंटेड, और ये जो ये भी है जो एकदम प्योर कॉटन है, और बच्चों का जो सेक्शन था उसमें जो बॉयज के कलेक्शन थे वो मुझे काफी ज्यादा अच्छे नहीं लगे, अच्छे क्या मुझे उतने अच्छे भी नहीं लगे, मैंने सोचा था कि कहीं और पे भी जाके देखूंगी ट्रेंड्स वगैरह में, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा सा दूर था और पापा भी गए थे तो पापा गाड़ी लेके चले गए, उन्हें कुछ और भी काम था, वो हमारे साथ मूवी देखने नहीं गए थे, तो फिर वह चूहा था गांव में ऐसा कुछ होता रहता है, तो मैं थोड़ा सा डर गई। और हमें नाश्ते वगैरह भी करने थे, और उसके बाद हमें खाना भी पैक कराना था, और ज्यादा लेट भी हो रहा था, तो फिर कभी जाऊंगी तो देखूंगी, तो लेकिन अपने लिए लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बच्चे के लिए ना ले, वो अच्छा नहीं लगता है, तो सिर्फ उसके लिए मैंने ये एक लिया है ब्लू कलर का ऐसा टी शर्ट। और उसके पास हाफ स्लीव्स के बहुत सारे हैं, मुझे फुल स्लीव का चाहिए था, तो वो तो ठंडी में ही कलेक्शन हो सकता है, होगा तो था नहीं कुछ, बट फिर भी मैंने एक ले लिया, और उसके साथ ही ये वाला पैंट। उसके बाद मैंने अनवी के लिए एक लिया है क्यूट सा फ्रॉक, और यहाँ पे एक बटरफ्लाई बना है आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ इसमें दी गई है एक हेयर बैंड, उसकी मम्मी को बहुत शौक है हेयर बैंड का, तो वो लगाएगी तो बहुत क्यूट लगेगी क्योंकि इसके साथ ये मैचिंग है, ये भी प्योर कॉटन है तो इसीलिए हमने ये ले लिया ताकि उसको कंफर्टेबल रह पाए पहनने में। तो चलिए इतना ही था, शॉपिंग बहुत ज्यादा तो नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, और दादी माँ और मम्मी जो है वो थक गई थी तो हमने उनको एक जगह बिठा दिया था, तो यही होता है ना कि ज्यादा एज हो जाता है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है सीढ़ियाँ चढ़ने में, और दादी माँ तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ पा रही थी, आपने देखा होगा आगे थोड़ा सा कि बाबू हाथ पकड़ के ऐसे लेके जा रहा था, तो इसीलिए हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई, बट जो भी था जैसा भी था सबसे बढ़िया था, और मेरी जो तबीयत है वो अभी फिलहाल में सही है। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, फिर खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।